थैंक्स वेरी मच फॉर स्पीकिंग टू द लॉजिकल इंडियन. अपना समय निकालने के लिए धन्यवाद. मुझे पता है आजकल काफ़ी मुश्किल होता है समय निकाल पाना आपके लिए, क्योंकि आपकी वर्कफोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण काम कर रही है, आप फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं. सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम लॉकडाउन 3.0 में हैं इस वक्त, थर्ड लॉकडाउन है, लेकिन उत्तराखंड जहाँ तक बात करें तो ज़्यादा जोन्स रेड जोन्स नहीं है, केवल एक रेड जोन है, बाकी ऑरेंज जोन्स हैं. मोस्टली जो गांव और विलेजेस हैं वो ग्रीन जोन्स में आते हैं सर. तो इस वक्त आपके लिए ये मुश्किल की घड़ी है या आप कहेंगे कि किसी तरीके से हमने ये टैकल कर लिया है, COVID-19 को उत्तराखंड ने टैकल कर लिया है? देखिए, अभी तक तो बहुत अच्छे से टैकल किया है, और अभी तक हमारे पास एक ही बड़ा चैलेंज आया था, वो था जमात का चैलेंज. हमारे अभी तक 61 केसेस हैं, उनमें से 41 केसेस जमात के हैं, तो उसको हमने बहुत अच्छे से, बहुत टाइमली हमने उसे कंटेन किया है, टाइमली उनको आइडेंटिफाई किया है, उनपे जहाँ जरूरत पड़ी वो एक्शन भी लिया है, FIR भी की है, जिससे कि वो हमने बहुत समय से क्वारंटाइन कर दिए, उनकी टेस्टिंग करा दी, तो वो जो है कंटेन हो गया. अदरवाइज वो वायरस 40 की जगह 4,000 में फैल सकता था. तो एक अभी तक वो चैलेंज था, वो ऑलमोस्ट ओवर है, ऑलमोस्ट ओवर है. किंतु अभी एक बड़ा नया चैलेंज जो सामने दिख रहा है वो ये है कि हमारे 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग बाहर फंसे हुए, उनमें से कुछ 7-8 हजार लोग आ भी चुके हैं पिछले 3-4 दिन में. तो जब ये आएंगे तो उसकी फिर से गारंटी नहीं है. यद्यपि सारे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स, सारे लॉकडाउन के नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं, सारे क्वारंटाइन के नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं, इसके बावजूद भी एक आशंका बनी रहेगी कि ये अपने साथ कहीं ना कहीं इन्फेक्शन ला सकते हैं. तो इस चैलेंज का भी अभी मतलब जो करंट चैलेंज है, एक तो ये है, और दूसरा जो करंट चैलेंज है कि जो अभी ओपनिंग अप हुई है, जो ओपनिंग अप हुई है उसमें भी पॉसिबिलिटी रहती है कि फिर से कोई जो है एसिम्प्टोमेटिक जो है इन्फेक्टेड आदमी बाजार में जाए फ्रीली घूमने और वो 10 लोगों को इन्फेक्ट कर दे, ये एक संभावना है. और लोगों को भी चूंकि 40 दिन बहुत लंबा पीरियड हो गया था, तो जो ही उन्हें पहली बार मौका मिला, आपने देखा होगा, तो एकदम से भीड़ उमड़ी है. यद्यपि मैंने बहुत अपील की है कि हमारी 40 दिन की उपलब्धि को हम 2 दिन में खो दे रहे हैं, तो ऐसा मत होने दीजिए, पेशेंस रखिए, ये लंबी लड़ाई है, 1-2 दिन में नहीं खत्म होने वाली है. और जो सामान खुले हैं वो खुले ही रहेंगे, अगर आपने जो है जो दुकानें खुली हैं तो वो अगर आपने साथ दिया तो, और अगर आप इसी तरह करते रहे फिर से रेड जोन में आप आ जाएंगे तो फिर सब बंद हो जाएगा वापिस. तो ये 2 नए चैलेंज है हमारे सामने. तो क्या सर, क्या उत्तराखंड के लोग भारी मात्रा में आ रहे हैं सड़कों पर? क्योंकि मुंबई में ऐसा देखने को मिला, जैसे ही लॉकडाउन खुला काफी सारे लोग उमड़ कर आए और इससे केसेस अचानक स्पाइक हो गए, क्या उत्तराखंड में ऐसा हो रहा है? देखिए, उत्तराखंड में लकीली ये हुआ, अगर आपने हमारा एक नैनीताल का वीडियो देखा हो कि लोगों को जरूरत है, 40 दिन से बंद पड़े हैं वो, और उनको जरूरत है, बहुत सारे हिल्स में लिकर पीते हैं लोग, यूज करते हैं, तो वो इतने बड़े हेल स्टॉर्म में भी खड़े हुए हैं किंतु सोशल डिस्टेंसिंग नहीं भूल रहे. तो इसलिए हमारे यहाँ भीड़ हुई है, किंतु 1-1 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी, 1.5 किलोमीटर, तो सब हमने मतलब मैनेज रहा है. फिर भी मैं उनको फिर भी मैं अपनी ओर से अलर्ट करना चाहूंगा कि ये जो पीरियड है ना, जो लॉकडाउन है, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है इतनी बड़ी एपिडेमिक का. इट इज ओनली अ टाइम विच वी बाय टू ट्रेन आवरसेल्व्स, टू गेट अवेयर, टू इक्विप आवरसेल्व्स, एक प्रकार से कैपेसिटी बिल्डिंग का टाइम है, ट्रेनिंग वाइज, इक्विपमेंट वाइज, रिस्पॉन्स वाइज. तो कैपेसिटी हमारी बेटर हो रही है, तो हमें इसके साथ जीना, लंबी लड़ाई है उसको इसके साथ जीना सीखना है. तो इसलिए हमें ये 3 चीजें कभी नहीं भूलनी, मास्क लगाना और सैनिटाइजेशन पूरे घर का, एरिया का, ऑफिस का, हर चीज का, अपने हाथों का, और तीसरा 2 गज की दूरी, जिसको अंग्रेजी में हम सोशल डिस्टेंसिंग बोल रहे हैं. मैं इसलिए 2 गज की दूरी बोल रहा हूँ कि हमारे आम आदमी बेचारे समझ नहीं पा रहे कि सोशल डिस्टेंसिंग है क्या. ठीक है सर, आपने एक जगह कहा कि लगभग 3,000 स्पेशल फोर्सेस में स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स ऐसे हैं जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं, जो हैंड्स एंड आईज ऑफ पुलिस फोर्स है, एक तरीके से ग्राउंड वर्क कर रहे हैं. मैं जानना चाहूंगी सर, कितना ग्राउंड वर्क आपको लगता है आप कवर कर चुके हैं, कितना ग्राउंड कवर कर चुके हैं, कितने विलेजेस में जा चुके हैं, क्या आपको लगता है एक तरीके से पुलिस का काम यहाँ पर हो गया है सेंसिटाइज करने का? अब जनता पर है कि वो कितना फॉलो करे रूल्स. देखिए, जो ये SPO का कॉन्सेप्ट है, विशेष पुलिस अधिकारी, हम किसी को भी ऑनरेरी SPO बनाते हैं, ऑन पेमेंट नहीं है.
और इसके थ्रू हमने बहुत से ऐसे काम लोगों से करवाए हैं जो कम्युनिटी के ही काम है, जैसे कि हमें राशन बांटना है, ठीक है, तो उसमें इनको लगा दिया। जैसे कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो कराने हैं, एक शॉप है और वहां पे 50 लोगों की लाइन लगी है, ठीक है ना, तो वहां शॉप वाले के पास इतना आदमी नहीं है, मैन पावर नहीं है कि वो जा करके बनवाए, और पुलिस वहां रहेगी तो पुलिस के पास भी इतनी मैन पावर नहीं है कि हर दुकान पे जाके खड़ी हो, तो वहां हमने एसपीओज को यूज कर लिया। फिर जो हमारे कुछ एक हॉटस्पॉट्स आए, खासकर जमात के केसेस में, तो उसमें हम चाहेंगे कि भाई कम्युनिटी से ही 15-20 लोग ले लें, जो लोगों को समझा के घरों के अंदर रखें, उनके इंटरेस्ट में है ये, उनकी सिक्योरिटी के लिए हो रहा है कि वो लोग इन्फेक्टेड ना हो। जी तो इस तरह से हमने एसपीओज को यूज किया है, जिन्होंने पुलिस के साथ काम किया और हमारे लिए बहुत यूजफुल हुआ, जिससे सारा काम पीसफुली हो जाता है। जी और ये एसपीओ सर, ये पुलिस ऑफिसर्स नहीं है, आप कह रहे हैं ये जनता है, जनता में से चुना गया है उनके प्रतिनिधियों को। ये ऐसे पब्लिक के ही लोग हैं जो वॉलंटरीली सामने आते हैं, प्योरली ऑनरेरी है, कोई पेमेंट नहीं होता इनको, और वो पुलिस प्रशासन का सहयोग करते हैं। जी सर, सर लगभग अप्रैल तक कुछ 10,000 ऐसे लॉकडाउन वायलेटर्स थे जिनको पुलिस बुक कर चुकी थी। अब इस वक्त क्या वायलेशंस कम हो रहे हैं या अभी भी हो रहे हैं? हमें पता है काफी सारी कंडीशंस तो हट गई हैं लॉकडाउन की, पर अभी क्या लेटेस्ट फिगर है सर? देखिए, वायलेशन की रेशो तो वही है, एग्जैक्ट फिगर्स मैं कोशिश करता हूँ आपको देने की। आज की फिगर्स हैं जो बुक्ड, टोटल बुक्ड है 13,289, ठीक है, 13,289 टोटल एफआईआर हैं, 2,657 टोटल व्हीकल सीज हैं, अबाउट 6,000। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो कहीं ना कहीं रूल तोड़ते हैं, कुछ लोग, कुछ परसेंटेज में लोगों में टेंडेंसी होती है, तो उसको ये वायलेशन के रेट ऑलमोस्ट सिमिलर चल रहा है, और अभी चूंकि एकदम से ओपन अप हुआ है तो थोड़ा सा वायलेशन में रेट बढ़ा है, बट इट विल अगेन स्टेबलाइज। जी सर, सर एक एक नहीं आई आप, हेलो, आपकी आवाज नहीं आई। हाँ जी सर, आ रही है आवाज? हेलो, स्पीकर नीचे, स्पीकर ऑन करो। हेलो, हेलो हेलो, अब आ रही है सर? हेलो, हेलो, यस सर, अब आ मेरा रही स्पीकर ऑफ हो चुका है। अच्छा, सर एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल है जो हम अक्सर पुलिस ऑफिसर्स से पूछते हैं। आप एक दो तरीके की कहानियां सामने उभर कर आती हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स घर घर जा रहे हैं, कई जगह बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कई जगह राशन पहुंचा रहे हैं। दूसरी तरफ हमें दिखते हैं वो पुलिस ऑफिसर्स जो कि डंडे मार रहे हैं, डरा रहे हैं लोगों को। तो आपने एक किताब भी लिखी सर जो काफी फेमस है लिटरेरी सर्कल्स में, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी आपके क्या डायरेक्शंस हैं पुलिस ऑफिसर्स को जो आपके नीचे हैं, उनको आपके क्या डायरेक्शंस हैं कि किस तरीके से पब्लिक को डील किया जाए? देखिए, जो आपने मेरी किताब का मेंशन किया, खाकी में इंसान, ह्यूमन इन खाकी, दोनों लैंग्वेज में है, और इसमें कुल मिलाकर के कहने की ये कोशिश की गई है कि खाकी में भी इंसान ही है, और हमारा, हम खाकी बनी भी ह्यूमन बीइंग्स के लिए ही है, तो इंसानियत हमारा पहला रोल है। तो मेरे ख्याल से हमने Day 1 से उत्तराखंड पुलिस में एक मोटो लेकर के चले हम, कि हमको, हमें लॉकडाउन को लागू करना है, एकदम स्ट्रिक्टली लागू करना है, दृढ़ता से लागू करना है, किंतु इसके साथ साथ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोगों की फ्रीडम खत्म हो रही है, तो वो भी एक प्रकार से बड़ी आपदा में है, तो हमें अपनी संवेदनशीलता को नहीं खोना है, इसके साथ अपनी सेंसिटिविटी को नहीं खोना है, तो हमें जो भी एक्शन करने हैं वो हाथ जोड़ करके करने, विनम्रता से करने, मानवीयता से करने, मानवीय संवेदना को बनाए रखना है। तो उसको हमने Day 1 से दोनों चीजें रखी, जहां लॉकडाउन का उल्लंघन है तो एकदम स्ट्रिक्टली डील करेंगे, किंतु जहां ह्यूमन प्रॉब्लम्स हैं किसी भी तरह की, हम उनमें सबसे आगे जाकर के सोल्व करेंगे। किसी की मेडिकल इमरजेंसी है, किसी के डिलीवरी का केस है, किसी के घर में कोई और नहीं है और अकेला है, तो हमने इस तरह की हर प्रॉब्लम में ह्यूमन एंगल से पुलिस ने बिहेव किया है। मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में सी वोटर सर्वे आया है, अगर आपने देखा हो, तो पुलिस का जो ट्रस्ट क्वोशेंट है वो 30% से 70% चला गया, जो बड़ा हाई ट्रस्ट, और जो कम ट्रस्ट है वो 20% हो, यानी 90% पुलिस की विश्वसनीयता हो गई। आई थिंक इंडिपेंडेंस से, जब से ये वाली प्रेजेंट फॉर्मेट की पुलिस बनी 1861 के पुलिस एक्ट से, तब
तब से लेके आज तक का हाईएस्ट ट्रस्ट क्वोशेंट है। तो कोरोना ने पुलिस में खाकी में जो इंसान था, जो मैंने 10 साल पहले किताब लिखी थी, उसको एक प्रकार से ढूंढने में मदद की है। ऑल ओवर द कंट्री, खाली उत्तराखंड नहीं, पूरे देश में ऐसे बहुत से इंस्टेंसेज आए, आपने खुद देखा है आप लोगों ने, तो जिसमें कि लोगों ने खाकी की मानवीयता को सराहा है, पहचाना है, रिकॉग्निशन दिया है। तो कुछ इंस्टेंस आई एम श्योर उत्तराखंड में भी ऐसे हुए होंगे जहां पर उत्तराखंड पुलिस ने बढ़ चढ़कर लोगों की मदद की, कुछ ऐसे इंस्टेंस अगर आप शेयर कर पाए हमारे साथ। देखिए, सारा जो खाना बंटवाना है, राशन बंटवाना है, और इस तरह के बहुत, मैं एकदम से ऑफ हैंड मुझे याद नहीं आ रहे हैं, बहुत से केसेज हैं जहाँ पे किसी को हॉस्पिटलाइज करना है, किसी का डिलीवरी, यहाँ पहाड़ में क्या होता है, हॉस्पिटल्स दूर हैं और कोई है नहीं पास में, गाड़ियां बंद हैं, डिलीवरी कैसे कहाँ जाएंगे, तो हमने मतलब पुलिस की गाड़ी में ही उसको ले लिया। एक दो केस में डिलीवरी ही गाड़ी में हो गई, पुलिस की गाड़ी में, वहां पुलिस वालों ने हेल्प किया। इस तरह के बहुत से केसेज हैं। तो सबसे जिसे कहेंगे मार्मिक केसेस तो इसी तरह के हैं जहाँ पे अच्छा, एक क्या है कि राशन जाना है और राशन पहाड़ में कुछ रास्ते में 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर आपको पैदल चल के जाना पड़ता है, चढ़ाई उतराई भी है, ट्रैकिंग करके जाना पड़ता है, और आज की तारीख में कोई वो आपके पास उपलब्ध नहीं है किसी भी तरह का पोर्टर या कोई, क्योंकि सब कुछ बंद है। तो पुलिस वालों ने अपने कंधों पे राशन उठा करके 4-4 किलोमीटर पैदल चल करके जा करके उनको राशन दिया है। एक मेरे पास रुद्रपुर हमारे उधमसिंह नगर का केस है, आपने मेरे हम लोगों ने से कवर फोटो बनाया हुआ है। एक सिपाही है जो 12 घंटे की रोज ड्यूटी कर रहा है, क्वारंटाइन ड्यूटी कर रहा है क्वारंटाइन सेंटर में, 12-12 घंटे की शिफ्ट है, और उसके बाद आकर के अपने पड़ोस के जो कम्युनिटी के बच्चे हैं उनको पढ़ा दे रहा टाइम, क्योंकि उसे पता स्कूल बंद है आज। तो इस तरह के बहुत से केसेस पुलिस के ह्यूमैनिटेरियन लुक के आए हैं जो मानवीयता को दिखाते हैं। सर, लॉजिकल इंडियन से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और यही होप है, यही विश्वास है कि जो ट्रस्ट क्वोशंट है लोगों का पुलिस में, वो बढ़ता रहे आगे चलते हुए। थैंक यू सो मच। मेरी सोच है ये जरूर बढ़ेगा, बट कल ही मैं किसी देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल से इंटरेक्ट कर रहा था, तो उसमें ये बात सामने आई थी कि क्या ये बना रहेगा यूं का यूं। तो मुझे इतना तो डाउट है कि एकदम सेम बना रहे, थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि हमें फिर से क्राइम कंट्रोल और इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर में आना है, जिसमें बहुत सा काम बड़ा इरिटेटिंग होता है। ठीक है, तो ऐसे में फिर भी मुझे लगता है जो ये ब्रिज बने हैं पब्लिक और पुलिस के बीच में जारी रहेंगे, और 70 नहीं तो 60% पे आएंगे, वापिस हम 30% के क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे, और सर्टेनली ये पुलिस पब्लिक रिलेशनशिप के लिए एक नया अध्याय है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सर।